ओम श्री साईनाथाय नमः। कैसे हैं आप लोग? आइए आज आपको लेकर चलते हैं एक बहुत ही सुंदर लीला की तरफ, जो कि बाबा हमेशा अपने भक्तों के साथ करते हैं, अपने भक्तों को अपने होने का एहसास दिलाते हैं। और ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां पे हमारे साईं ना हो। बाबा हर जगह मौजूद होते हैं, बस भक्त को पहचानने की ज़रूरत होती है, महसूस करने की ज़रूरत होती है। तो आइए आज एक ऐसी ही सुंदर सी प्यारी सी लीला, जो कि मनीषा वर्मा जी के साथ हुई है, तो आप सुनिए उनके खुद के मुख से जो उन्होंने फील किया और कैसे बाबा ने उनके 11 वचनों के प्रार्थना से उनकी फरियाद सुनी, उनकी विनती सुनी, उनकी प्रार्थना सुनी, और बाबा ने जो उन्होंने चाहा, उन्होंने 2 बच्चों की जान मांगी थी, बाबा इनकी जान बचाइए, इन्हें ठीक कर दीजिए, तो कैसे बाबा ने सब कुछ किया, आइए सुनते हैं। और बाबा की लीला को ध्यान रखते हैं, बाबा का ध्यान करते हुए आज का ये वीडियो संपूर्ण करते हैं। तो आइए सुनते हैं बाबा की लीला को। अनु दीदी और सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। मैं मनीषा वर्मा रायपुर से हूँ। यूँ तो बाबा ने हमारे साथ अनगिनत चमत्कार किए हैं और कर रहे हैं। आज सुबह ही जब मेरे हस्बैंड बाहर जल चढ़ाकर पूजा कर रहे थे, उन्होंने देखा कि 2 बर्ड्स हमारी दीवार से टकराकर नीचे गिर गए हैं। उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने जाकर देखा तो उनकी हालत बहुत ख़राब थी। जल्दी से पानी लाकर उनके मुंह में डाला और थोड़ा उनके ऊपर डाला, जिससे वो थोड़ा उठकर बैठे, पर वो हिलडुल नहीं पा रहे थे। लग रहा था कि जैसे अब वो नहीं बचेंगे। फिर मेरे हस्बैंड ने थोड़ी सी बाबा की उदी लगाई और मैंने 11 वचन पढ़कर बाबा से उनको ठीक करने की प्रार्थना की। फिर हम थोड़ा सा चावल और पानी रखकर अंदर आ गए। थोड़ी देर बाद जाके देखा तो एक बर्ड उड़ चुकी थी, पर एक वहीं बैठी थी। एक के लिए खुश हुए और दूसरे के लिए प्रार्थना करते हम अपना काम करने लगे। ध्यान तो वहीं था, इसलिए थोड़ी देर बाद जाकर फिर देखा तो दूसरी बर्ड भी उड़ चुकी थी। बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बाबा को बहुत सारा थैंक यू बोला, बहुत सारा आई लव यू बोला और बाबा से प्रार्थना की कि बाबा हमेशा सबकी रक्षा करना, सबके साथ रहना साईं, सबकी प्रार्थना सुनना। ओम साईं राम, जय साईं राम।